हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन, आप सभी का स्वागत है YDS एपिसोड नंबर 82 में। दोस्तों आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग जो है चैट जीपीटी के बारे में जानती होंगे, ये इतना ट्रेंडिंग जो है, लेकिन इस वीडियो में बात करने वाला हूँ चैट जीपीटी जो एक्चुअली फ्री क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है एंड क्या एक्चुअली फ्यूचर में चैट जीपीटी फ्री रहेगा नहीं, एंड और भी बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग चैट जीपीटी से रिलेटेड। वीडियो एंड तक देखते रहना, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर चैट जीपीटी के बारे में बात करता हूँ, जिसको नहीं पता क्या है कि ये जो है एक एआई टूल है, यानी एआई चैटबॉट है, जिससे जो आप कोड से लेके इमोशनल चैटिंग भी कर सकते हो। यस गाइस, बहुत सारे लोग करते हैं एंड ये सच में बहुत ज्यादा एडवांस है, क्योंकि ये पूरा एआई बेस्ड है एंड ये जो है इलॉन मस्क की कंपनी ओपन एआई ने जो है बनाया है। ये जो है रिसेंटली अभी आया था नवंबर 2022 में एंड इस पे बहुत जल्दी 1 मिलियन एक्टिव यूजर्स भी जो है देखे गए हैं। तो अभी मैं बात करता हूं कि एक्चुअली ये फ्री क्यों है। सबसे पहला रीजन जो यहां पे यूजर बेस। अब आप सभी को पता होगा, अगर मैं Jio की बात करता हूं, उन्होंने जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट दिया, सिम्स दी, उसके बाद जो थोड़ा-थोड़ा करके वो जो है एग्जैक्टली उसी प्राइस रेंज पे ले आया जो अदर टेलीकॉम कंपनीज जो है ऑफर कर रही है। तो सिमिलर चीज यहाँ पे चैट जीपीटी भी देखी गई है। अगर वहां पे वो स्टार्टिंग में ही पेड वर्जन लाते या फिर उसके लिए $20 $30 $50 जो आप पे करते, तो वहां पे जो है इतना ज्यादा यूजर बेस नहीं बन पाता, साथ साथ लोग उससे यूज टू नहीं हो पाते, लोगों को नहीं पता चलता एक्चुअली चैट जीपीटी क्या है। तो ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि चैट जीपीटी को जो है एक यूजर बेस चाहिए था, इसलिए जो यहाँ पे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा। सेकंड रीजन जो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग या फिर आप बोल सकते हो ट्रेनिंग। अब आप देखेंगे जो भी चीज आप चैट जीपीटी से पूछते हैं वो 100% एक्यूरेसी नहीं होती, उसमें कभी कभार जो यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है, कुछ गलतियां आती है, लेकिन इस चीज को अगर पेड कर देते तो यूजर कम रहते तो यहाँ पे उनको जो इंप्रूवमेंट है उनके यूजर में एक्सपीरियंस में, तो वो चीज जो है कम रहती। लेकिन अभी फ्री है, काफी सारे लोग यूज करते हैं, लोगों का डेटा उनके पास है, यानी क्या लोग सर्च करते हैं, लोगों का क्या इंटरेस्ट है, तो हिसाब से जो है वो उसमें इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, साथ साथ लोगों को भी समझ रहे हैं किस तरीके से मार्केट जो है रन कर रही है। लेकिन मैं बात करता हूँ चैट जीपीटी पेड के बारे में। एक्चुअली चैट जीपीटी का एक पेड वर्जन भी है जो यूएस में अवेलेबल है, जिसमें आप $20 समथिंग आप पे कर सकते हो, उसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं, साथ साथ यहाँ पे आप जो है क्विकर जो है उसमें रिस्पॉन्स पा सकते हो, अगर कभी बार चैट जीपीटी जो है डाउन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो वो सब आपको उसमें पेड वर्जन में नहीं चीजें देखने को मिलेगी। न्यूज भी आई थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो है $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करी है चैट जीपीटी ने, कोलैबोरेशन करा है, एंड यहाँ पे आपको बिंग जो माइक्रोसॉफ्ट का जो है सर्च इंजन है जो बहुत पॉपुलर है, उस पे जो हम चैट जीपीटी देखने को मिलेगा। यानी आप कह सकते हो कि ये जो है इस तरीके से आदत डाल देंगे यूजर्स की कि अब जो हम एआई से सर्च करें, ना कि गूगल पे जाके हमें जो लिखना है, अब एआई जो भी हमें चीजें सर्च करके देगी हम उससे यूज हो जाएंगे। आने वाले टाइम में क्या पता कि ये लोग उस चीज को वो पेड कर दे, यानी उसके लिए हम पैसे देने पड़े, हम यूज हो जाते हैं, फिर हमें जो चीज चाहिए था हम उसके पैसे भी पे कर सकते हैं, तो इस तरीके से हो सकता है मे बी फ्यूचर में। लेकिन अभी फिलहाल कोई भी ऐसा नहीं है कि अभी चैट जीपीटी पेड होगा, लेट्स सी क्या होता है। तो आप लोग बताएं कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में। इतना था वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ऐसी वीडियो तो आप चैनल पर आता रहता हूं। मिलता हूं नई वीडियो के लिए, बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।